महोदय, हम शांति के लिए काम अवश्य करेंगे, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि सरकार पर देश की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा की जिम्मेदारी है। इसलिए हम हमेशा सावधान रहेंगे और आवश्यकता के अनुसार अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करते रहेंगे। हाल के आक्रमण के समय हमारी सेनाओं ने जिस बहादुरी, उत्साह, साहस और आत्म बलिदान का परिचय दिया, वह देश के लिए अत्यंत उज्ज्वल उदाहरण है। जिन भाइयों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने अंग गवाए हैं और गहरे घाव झेले हैं, उनके लिए मेरा दिल भरा हुआ है। मैं उनका स्नेह से अभिवादन करती हूँ। जिन वीरों ने देश के चरणों में अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं, उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। मेरा दिल उनके घर के लोगों के साथ है। हम शांति चाहते हैं क्योंकि हमें एक और लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई हमें लड़नी है गरीबी से, बीमारी से और अज्ञान से। हमने अपने देश के लोगों से जो वायदे किए हैं, उनको खाना, कपड़ा, रोजी और मकान देने का, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा का प्रबंध करने का, इन वायदों को हमें पूरा करना है। हमारे देश में जो कमज़ोर लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो अपने अधिकार से वंचित हैं और जिनकी देख रेख की और सामाजिक सुरक्षा की विशेष ज़रूरत है, उनका मुझे हमेशा पहले ख्याल रहा है और रहेगा। हमारे देश के नौजवान लड़के लड़कियों को भी और ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए। साथ ही उनको यह भी समझना चाहिए कि वे देश को जो आज देंगे, वही कल उनको मिलेगा। देश उनसे यह आशा रखता है कि उनके हौसले ऊंचे हों, आकांक्षाएं बड़ी हों और वे बड़े काम करें। विज्ञान की, कला की, साहित्य की, विचार की और कर्म की दुनिया उनके सामने खुली पड़ी है। उनके सामने अपार क्षेत्र है। उन्हें नई मंजिलें तय करनी हैं, नई चोटियों पर चढ़ना है और नए लक्ष्य प्राप्त करने हैं। हमारा कोई भी धर्म हो, हम कोई भी भाषा बोलते हों और हम चाहे किसी भी राज्य में रहते हों, हमारा राष्ट्र एक है, हम एक हैं। आइए हम सब किसान और कामगार, अध्यापक और विद्यार्थी, वैज्ञानिक और शिल्पी, उद्योगपति और व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता और सरकारी कर्मचारी सब मिलकर प्राणपण से काम करें और देश को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग करें। ऑडियो जंगल।